सोहेल एंड अलकम भाई लोग। तो गाइस कैसे हो सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग वापस आ चुके हैं अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन सार्वभौमिक सीरीज का एक और न्यू एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड पर भी हम लोग एक और फार्म को बिल्ड करने वाले हैं। तो गाइस पिछले दो एपिसोड में मैंने दोनों फार्म को दोनों डायमेंशन पर बिल्ड किया था। एक था अपना सल्कर फार्म एंड में एंड एक और था एक पिगलिन वाटरिंग फार्म जो कि नेदर में। तो मैंने सोचा कि आज के ये जो फार्म है उसको ओवरऑल में बनाया जाए। तो ये जो फार्म है वो होने वाला है एक मड एंड कंक्रीट जनरेटर। एंड हाँ गाइस ये टू इन वन फार्म होने वाला है। यानी कि ये जो मड एंड कंक्रीट है इसको मैं एक ही फार्म से प्रोड्यूस करने वाला हूँ। और साथ ही साथ इस पर मैं एक ऑटो माइनर भी डालूंगा जिससे कि मुझे मैनुअली इसको माइन नहीं करना पड़ेगा। एंड गाइस एक और बात, इस वॉल का जो डाउनलोड लिंक है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर मिल जाएगा। एंड वो जो वीडियो है वो एक एपिसोड नहीं, वो एक छोटा सा वॉल टू टाइप होने वाला है। अभी बढ़ते आज के इस एपिसोड में। तो गाइस ये जो मड एंड कंक्रीट फार्म होगा इसको मैं अपने इस फार्मिंग वाले एरिया पर बिल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस फार्म से मुझे दूसरे फार्म का भी फायदा मिल जाए। तो चलो अभी घर चलते हैं और मुझे थोड़ा बहुत काम भी करना है, उसके बाद हम लोग जितने भी मेटेरियल्स लगने वाला है उसको कलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट काम है गाइस अपने बो को रिपेयर करना। पिछले एपिसोड के बाद से इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी लो हो चुका है, तो अभी हम लोग इसको रिपेयर कर लेते हैं पैसे। ओ नो गाइस, रेस्ट इन पीस फ्लेमिंग हंटर, हम लोग तुम्हें बहुत याद करेंगे। तो भाई लोग अभी मुझे एक नया बो को बनाना पड़ेगा, अपना फ्लेमिंग हंटर तो रिटायर हो चुका है। तो चलो अभी इधर से देखते हैं मुझे कितना एंचेंटमेंट्स मिलता है। वैसे ये काफ़ी सही है लेकिन मुझे और भी काफ़ी सारे एंचेंटमेंट्स चाहिए अपने बो पर। ऑल राइट गाइस, मुझे अपना फ्लेमिंग हंटर वर्सन 2 अभी मिल चुका है और इसका रेंज यार काफ़ी सही है, बहुत ही तगड़ा मरता है। तो मेरे पास ना ये सोल स्पीड 3 का बो काफ़ी सारा हो चुका है, तो एक को मैं अपने बूट पर भी डाल देता हूँ। तो चलो अभी इस फार्म के लिए जो भी आइटम लगने वाला है इसको इधर से कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे ज़्यादातर मुझे रेस्टोन आइटम ही चाहिए। ऑलमोस्ट सारे आइटम इस सल्कर बॉक्स पर ही है, बस कुछ ग्लास, कुछ बटल्स एंड कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स को इधर से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो अभी सारे आइटम को लोड करते हैं और सीधे मिलते हैं अपने फार्मिंग जोन पर। तो गाइस अपने ये जो मड एंड कंक्रीट जनरेटर होने वाला है उसको मैं इधर बिल्ड करूंगा, और इधर बिल्ड करने से क्या होगा कि अपना आयरन फार्म भी काम करेगा इस फार्म के साथ साथ। तो चलो अभी इस फार्म को इधर डालते हैं, लेकिन पहले मुझे इधर थोड़ा बहुत क्लियर वगैरह करना है। ऑल राइट, काफ़ी सारे एरिया क्लियर हो चुका है, अभी मैं इस फार्म को बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट गाइस मुझे इधर एक आइटम सॉर्टर को डालना पड़ेगा, और इधर मैं इंपल्स का आइटम सॉर्टर यूज़ करूँगा। तो ये बहुत ही छोटा है और बहुत ही इजी है बनाना। तो कुछ इस टाइप से एक टी शेप, फिर इधर एक रेस्टोन टॉर्च, इसके बीच पर एक रिपीटर, और इधर कुछ मतलब टोटल 3 रेस्टोन डस्ट आ जाएगा। ठीक है, एंड इधर एक कॉम्परेटर, बस यही है गाइस। और इससे बस अपना एक ही आइटम सॉर्ट होगा, यानी कि ग्लास बॉटल, मतलब जो एम्प्टी बॉटल होगा। तो ये जो आइटम सॉर्टर है वो अच्छे से ही काम करेगा। तो अभी इधर एक हॉपर भी आ चुका है, और इधर एक अभी मुझे चेस्ट को डालना है, एंड इधर अपना एक हॉपर आ जाएगा। अभी ये जो टॉप हॉपर है इसके ऊपर मुझे एक डिस्पेंसर को डालना है, और इस कॉम्परेटर के ऊपर एक ब्लॉक, एंड इधर से मुझे कुछ टेम्प्रेरी ब्लॉक को डालना है क्योंकि मुझे एक पिस्टन को भी डालना पड़ेगा। तो जो पिस्टन है वो इस ब्लॉक के ऊपर आएगा, कुछ इस टाइप से इसका फेस सामने की तरफ होगा। और इधर एक रेस्टोन टॉर्च, और अभी मुझे इधर 2 ब्लॉक को ऐसे करके प्लेस करना है, और इधर 2 रेस्टोन डस्ट। ठीक है, तो अभी ये जो टेम्प्रेरी ब्लॉक इसको हटा दे। एंड अभी गाइस अगर मैं कोई भी ब्लॉक को पिस्टन के आगे प्लेस करूँगा तो देखना जो ये जो पिस्टन है इसको मतलब इस ब्लॉक को वो आगे धकेल लेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो पिस्टन का सिग्नल है इसको मुझे डिस्पेंसर तक लेके जाना है, और इसके लिए ऐसे कुछ रेस्टोन डस्ट को डाल देते हैं। वैसे इधर एक रेस्टोन रिपीटर यूज़ करना पड़ेगा, वरना अपने ये जो डिस्पेंसर है वो काम नहीं करेगा। तो इधर एक रेस्टोन डस्ट। अभी गाइस फिर से अगर मैं कोई भी ब्लॉक को प्लेस करूँगा तो पिस्टन के साथ साथ अपना डिस्पेंसर भी एक्टिवेट हो जाएगा। अभी इस चेस्ट की साइड पर मुझे एक डिस्पेंसर को डालना है, और इस चेस्ट के नीचे एक हॉपर आएगा जिसका फेस उस डिस्पेंसर की तरफ होगा। इससे क्या होगा कि जितने भी एम्प्टी बॉटल्स इधर रहेगा वो सीधे इस डिस्पेंसर तक चलाएगा। अभी मुझे ये जो डिस्पेंसर इसको एक्टिवेट करने के लिए एक ऑब्जर्वर क्लॉक को बनाना है। इसके लिए इधर एक स्टिकी पिस्टन और 2 ऑब्जर्वर को डालना है। तो पहला ऑब्जर्वर आएगा अपना इधर जिसका फेस होगा स्टिकी पिस्टन की तरफ, और एक और ऑब्जर्वर आएगा अपना स्टिकी पिस्टन के ठीक साइड पर ही। ठीक है, तो इससे अपना मतलब ये जो सिग्नल है इससे ये जो स्टिकी पिस्टन है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। और इधर मुझे एक ब्लॉक को भी डालना है ताकि ये जो डिस्पेंसर है वो एक्टिवेट हो जाए। एंड अभी ना मुझे ये जो डिस्पेंसर है इसकी चारों साइड से एक ग्लास का ट्यूब डालना है। अभी ये जो ऊपर वाला डिस्पेंसर है इसके पीछे एक हॉपर, और ये जो हॉपर इसके ऊपर एक चेस्ट, एंड ये जो चेस्ट है इसके ऊपर एक फिर से हॉपर। तो अभी इस ग्लास को भी हम लोग मतलब ये जो ग्लास का ट्यूब है इसको भी हम लोग उस हॉपर के साथ कनेक्ट करके डाल देते हैं। नेक्स्ट इस ट्यूब का हर एक ब्लॉक पर मुझे पानी का सोर्स डालना है, एंड ये जो ऊपर का सेक्शन है इधर भी एक और पानी का सोर्स डाल देते हैं, और इससे जितने भी आइटम्स अभी आएगा इस ट्यूब के थ्रू वो सीधे इस हॉपर तक चलाएगा। और अभी ये जो आइटम सॉर्टर है इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। एंड गाइस जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हो ये जो नीचे का डिस्पेंसर है
वो अभी एम्प्टी बोतल में पानी भर के उसको ऊपर शूट कर रहा है। वैसे मुझे इधर एक मतलब वाटर बोतल को डाल के रखना पड़ेगा, तब ये सिस्टम अच्छे से काम करेगा। तो कुछ इस टाइप से इसको इधर डाल देते और कुछ इसी टाइप से गाइस ये जो फ्रॉम है वो काम करेगा। तो अभी फिर से इधर मैं कुछ ग्लास बोतल को डाल देता हूँ और मुझे ना गाइस वाटर बोतल इधर डालना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो ये जो सिस्टम है वो खुद ब खुद ही ये जो मतलब प्रोसेस इसको कर देगा। तो अभी सारे वाटर बोतल जाकर इस डिस्पेंसर एंड चेस्ट पर जमा हो जाएगा और जब ये खाली हो जाएगा वो फिर से इस डिस्पेंसर मतलब नीचे का जो डिस्पेंसर है उधर आ जाएगा और फिर से ये पानी भर के ऊपर छोड़ देगा। तो गाइस ये एक इन्फिनिट लूप है और ऐसे ही अपना ये जो फार्म वो काम करेगा। अभी गाइस हम लोग इसको एक बार ऑन करके भी देख लेते हैं। तो अगर मैं इधर कोई भी डॉट डालूंगा तो आप लोग देख सकते हो वो इंस्टेंटली मड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो पिस्टन है वो उसको आगे धकेल देगा, ठीक है। और ये जो डिस्पेंसर है वो तो अभी पानी छोड़ रहा है, जितने भी अभी एम्प्टी बॉटल्स इस डिस्पेंसर में रहेगा वो अपने फिल्टर के थ्रू फिल्टर होता हुआ नीचे के डिस्पेंसर तक जाएगा और जो नीचे का डिस्पेंसर है वो फिर से इसको पानी भर के ऊपर छोड़ देगा। तो गाइस ये जो पूरा सिस्टम है वो तो मड के लिए है और अगर मैं इधर कंक्रीट बनाना चाहूँ तो मुझे इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा। और इसके लिए जो हॉपर है इसके सीधे मैं एक ग्लास डालूंगा और इधर से कुछ ग्लास से मैं इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। और नीचे के साइड पर दो तीन होल के होल बना देते हैं, वैसे ग्लास यूज़ करना बहुत सेफ रहेगा। एंड अभी ये जो ऊपर का ग्लास मैंने डाला था उसके ऊपर एक पानी का सोर्स, एंड बस गाइस मॉडिफिकेशन अपना कम्प्लीट हो चुका है। ये हर एक कितनी आसान था, राइट। तो चलो भाई अभी एक बार कंक्रीट से भी देख लेते हैं ये काम करते हैं या फिर नहीं। एंड हाँ गाइस ये जो पीछे का पूरा सिस्टम है इसको मुझे ऑफ करना पड़ेगा, वरना ये जो डिस्पेंसर है वो पानी का बोतल छोड़ता रहेगा। तो इसके लिए मुझे बस एक रेडस्टोन डस्ट को हटा देना है, बस गाइस पीछे का पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। और अभी देख लो इधर अगर कोई भी मैं कंक्रीट पाउडर को डालूंगा तो वो इंस्टेंटली कंक्रीट पर कन्वर्ट हो जाएगा और इस पिस्टन की मदद से वो आगे चला जाएगा, ठीक है। इसको मुझे ऐसे करके प्लेस करना है। ओके शायद पिस्टन का मतलब जो पुशिंग लिमिट है वो जा चुका है टोटल 12 ब्लॉक और इधर मुझे अभी थोड़ा बहुत क्लियर भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जो लास्ट का 7 ब्लॉक है इसको मैं ऊपर लेके जाने वाला हूँ और इसके लिए मुझे टोटल 7 टेम्पररी ब्लॉक को डालना है। एंड उसके बाद गाइस फिर से एक और लाइन टेम्पररी ब्लॉक आएगा। एंड अभी जो कंक्रीट एंड ऊपर का लेयर है इसको हटा देते हैं और उसके जगह हम लोग पिस्टन यूज़ कर लेंगे, टोटल 7 पिस्टन यूज़ होगा। एंड अभी ये जो सारे पिस्टन है इसको पार देने के लिए इधर कुछ ऐसे करके एक ऑब्जर्वर को प्लेस करना है और गाइस इधर मुझे अभी एक ऐसा सर्किट बनाना पड़ेगा ताकि ये जो ऑब्जर्वर है वो बस सिग्नल एक ही बार इस मतलब ये जो पिस्टन है जितना भी पिस्टन है उनको भेजे ताकि पिस्टन एक ही बार बस एक्टिवेट हो, ठीक है। तो इधर मुझे कुछ ऐसे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है और मुझे अभी 2 रिपीटर की यूज़ करना पड़ेगा। तो एक रिपीटर आएगा इधर और एक और आएगा इधर। अभी इन दोनों को रेडस्टोन से कनेक्ट करते हैं, मतलब रेडस्टोन डस्ट से, तो कुछ इस टाइप से। और मुझे इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, टोटल 6 ब्लॉक का अभी हो चुका है। अभी गाइस अपना जो सिस्टम है वो ऐसे जाएगा और इधर भी एक और ब्लॉक लगेगा एंड इधर भी एक और ब्लॉक और ऐसे करके गाइस अभी जो सारे पिस्टन है उस पर मैं रेडस्टोन लाइन को डाल दूंगा। तो चलो गाइस अभी इस सिस्टम को एक बार टेस्ट करके भी देख लेते हैं। तो अभी मुझे इधर ऐसे करके कुछ कॉन्क्रीट पाउडर को डालना है और जब ये जो कॉन्क्रीट है ऑब्जर्वर के सामने जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। एंड जैसे कि आप लोग गाइस देख सकते हो अभी ये जो मतलब जितने भी कॉन्क्रीट थे इधर वो सारे ऊपर चला जा चुका है। तो चलो अभी ऐसा ही सिस्टम मुझे ऊपर भी डालना पड़ेगा और इसके लिए कुछ कंक्रीट को अभी प्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑल राइट गाइस अभी अपना कंक्रीट एंड मड का वॉल ऊपर आ चुका है और अभी मैं इसको सामने भेजने वाला हूँ। और इसके लिए जैसे मैंने नीचे किया था पिस्टन एंड ऑब्जर्वर की मदद से एक सिस्टम को डाला था, सेम टू सेम इधर भी करने वाला है। लेकिन इधर क्या होगा, इधर टोटल मैं 7 रो पिस्टन यूज़ करने वाला हूँ। नीचे मैंने 1 रो यूज़ किया था, इधर अभी 7 रो यूज़ होने वाला है। ओके गाइस सारे काम अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी बस मुझे इस ऑब्जर्वर से एक सिग्नल को ले जाकर वो जो नीचे की साइड पर मैंने एक प्लेटफॉर्म डाला है उधर तक इसको कर देना पड़ेगा, ठीक है। एंड अभी गाइस जैसे मैंने नीचे किया था कि पिस्टन के पीछे मतलब ऑब्जर्वर के पीछे मैंने रिपीटर डाला था, अभी मुझे इसको नीचे डालना पड़ेगा। एंड फाइनली गाइस जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो ये जो पूरा सिग्नल था इसको मैंने अभी नीचे से कनेक्ट कर दिया है और इधर मैंने रिपीटर को नीचे की साइड पर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि गाइस अगर मैं इसको ऊपर यूज़ करता तो क्या होता कि नीचे की साइड पर कुछ कुछ पिस्टन को पावर नहीं मिलता, ठीक है, इसलिए मुझे इसको नीचे यूज़ करना पड़ा। तो चलो अभी इसको एक बार टेस्ट करके भी देख लेते हैं। ओके गाइस ये तो अभी एक रेडस्टोन क्लॉक बन चुका है, तो मुझे इसका रीज़न पता है ये क्यों हो रहा है। तो ये जो रिपीटर है इसको मुझे 2 टिक पर सेट करना पड़ेगा एंड अभी ये सही है। तो चलो फिर से एक और बार हम लोग इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो इधर अगर कोई भी मैं ब्लॉक को प्लेस करूंगा तो ये जो सारे पिस्टन है वो एक ही बार मूव करेगा। तो अभी भी पूरा फार्म कंप्लीट नहीं हुआ है और इसके लिए मुझे इसको थोड़ा बहुत रन करना पड़ेगा। एंड अभी अपने सारे पिस्टन इसका मैक्स लिमिट पर पुश कर चुका है और ये जो मड का क्यूब है वो इससे आगे नहीं जा पाएगा।
तो गाइज अभी मैं इधर जैसा कि आप लोगों से कहा था कि एक ऑटो माइनर डालने वाला हूँ, और ये जो ऑटो माइनर है वो TNT की मदद से होने वाला है, तो इसके लिए मुझे कुछ डिस्पेंसर एंड TNT को क्राफ्ट करके लाना पड़ेगा। 11 minutes later. ओके गाइज, अभी मैंने काफ़ी सारा डिस्पेंसर एंड TNT को क्राफ्ट कर लिया है, और अभी ना ये जो दो ब्लॉक है, मतलब ये जो दो रो है मट का, इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा, तभी मैं इस ऑटो माइनर को डाल पाऊंगा। तो गाइज अभी आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बोलना है, तो ये जो ऑटो माइनर है इसका डिजाइनर मैं हूँ, और इसलिए इसमें थोड़ा बहुत तो गलतियाँ हो सकता है, लेकिन इसको मैंने ज़्यादातर टेस्ट किया, ये अच्छे से ही काम कर रहा था। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इस प्रोसेस से अच्छे से काम करेगा, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, उसको मैं ट्राई करूँगा इस पर जोड़ने का। और अगर आप लोग पूछते हो ये फ्रेम डिज़ाइन किसका है, तो मैं कोई पार्टिकुलर यूट्यूबर की तो नाम नहीं बता सकता, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर के मैंने वीडियो देखा और उन सब का कॉम्बिनेशन करके मैंने इसको बनाया। तो चलो गाइस अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो अभी ये जो क्यूब है इसकी सेंटर से 10 ब्लॉक मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये सेंटर था, अभी इधर टोटल 10 ब्लॉक को प्लेस करते हैं। और अभी गाइस इसका हाइट क्यूब से 10 ब्लॉक हो चुका है, और अभी ऐसे कुछ टोटल 3 ब्लॉक बाहर के साइड पर आएगा। तो गाइस अभी ये जो बाहर का ब्लॉक है इसके नीचे मुझे एक डिस्पेंसर को डालना है, और अभी इधर से मुझे टोटल 5 ब्लॉक नीचे जाना पड़ेगा। तो अभी 2 हो चुका है, ये 3 एंड 4, अभी एक और जाना है। तो ये गाइस 5 ब्लॉक हो चुका है, और अभी ये जो ये जो 5th ब्लॉक है इसके साइड से मुझे एक 5x5 का स्क्वायर डालना है। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो इधर मैंने एक 5x5 का स्क्वायर डाल दिया है, और अभी जो टेम्पररी ब्लॉक है इसको हटाते, और अभी इन ब्लॉक को भी मुझे हटाना है, तो ये जो बीच का सारे ब्लॉक है वो हट जाएगा, ठीक है। और अभी मुझे ये जो चारों स्पॉट है इधर कुछ ऐसे करके ट्रैपडोर को प्लेस करना है, तो आप लोग कोई भी ट्रैपडोर यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे करके गाइस जो ऊपर का सेक्शन है उधर ट्रैपडोर को प्लेस करना है, और ध्यान रखना कि ये जब खुले तो ये जो बाहर का ब्लॉक है उसके साइड पर खुले, और अभी इस बीच का ब्लॉक को भी हटा देते हैं। तो नेक्स्ट काम है गाइस डिस्पेंसर से एक सिग्नल को लाकर इन ट्रैपडोर तक मुझे पहुँचना पड़ेगा, और इसके लिए इधर मैं कुछ ऐसे 2 ब्लॉक डालूंगा, और उसके बाद मुझे इधर एक टेम्पररी ब्लॉक डालना है, और इधर एक अपने नॉर्मल ब्लॉक आएगा। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं। ओके नहीं, मुझे एक और ब्लॉक को डालना पड़ेगा ऐसे ही सेम टू सेम फॉर्मेशन में। तो इधर एक टेम्पररी ब्लॉक, और इसके आगे मुझे एक ब्लॉक को डालना है, मतलब एक लाइन ब्लॉक आएगा, टोटल 5-6 ब्लॉक आएगा। तभी हम लोग उधर चलते हैं और इधर एक लाइन बनाते हैं। तो कुछ इस टाइप से गाइस अभी मुझे इधर एक 5 ब्लॉक का लाइन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 5 ब्लॉक शायद हो चुका है, और अभी इधर से भी मुझे एक और 5 ब्लॉक का लाइन डालना है। तो जैसे गाइस रिपीटर क्लॉक होता है वैसे मैं इधर क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी मुझे ये जो डिस्पेंसर इससे एक सिग्नल को लाकर उस ट्रैपडोर तक पहुँचने के लिए इधर कुछ रेडस्टोन डैश को डालना पड़ेगा ऐसे करके। और अभी गाइस इधर टोटल 4 रिपीटर के यूज़ करना है, वो भी 4 टिक पर। तो अगर आप लोग इसको बना रहे हो तो इसका ध्यान रखना। और अभी मुझे इधर और 2 ब्लॉक के यूज़ करना पड़ेगा, तभी मैं रेडस्टोन को डाल पाऊँगा। तो अभी एक और रिपीटर, और इसका भी मतलब ये भी 4 टिक पर आएगा। तो टोटल 4 रिपीटर मैंने यूज़ किया 4 टिक पर, और अभी इधर 2 रिपीटर ऐसे 4 टिक पर आएगा, एंड ये जो तीसरा वाला रिपीटर है वो 2 टिक पर आएगा, ठीक है। और अभी इधर फिर से 2 रिपीटर नॉर्मल टिक पर। नेक्स्ट है मैंने इधर एक स्टेयरकेस को डाल दिया, ताकि ये जो सिग्नल है इसको मैं नीचे ट्रैप डोर तक लेके जा सकूँ। और अभी ये जो टेम्पररी ब्लॉक है इसको हटा देते हैं। तो गाइस आप लोग अभी देख लो नीचे के साइड पर मैंने एक और रिपीटर के यूज़ किया है इधर, और अभी ये जो सिग्नल है इसको लेके चलते हैं फिर से हम लोग। और हम लोग ना ये जो लास्ट वाला ट्रैप डोर है इस ब्लॉक पर आके रुक जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये जो काम था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। भाई लोग अब इस सिस्टम को भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो इधर मैंने एक बटन को डाल दिया और इसको फ्लिक करते हैं, तो देखना डिस्पेंसर पहले एक्टिवेट होगा और उसके कुछ टाइम बाद ये ट्रैप डोर एक्टिवेट होगा। तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा कि जब भी कोई इस डिस्पेंसर से TNT शूट होगा तो वो थोड़े टाइम के लिए अपने ट्रैप डोर पर जाकर रुक जाएगा, मतलब ये जो चारों ट्रैप डोर है इसमें से किसी भी एक ट्रैप डोर पर आकर रुक जाएगा, और उसके बाद ट्रैप डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और वो जो TNT है वो नीचे गिर जाएगा, और एकदम गाइस सेंटर में जाके ये जो क्यूब इसके सेंटर में जाके फटेगा, और उससे जो ब्लॉक्स है वो माइन होकर नीचे चला जाएगा। तो चलो अभी फिर से इसको एक बार TNT के साथ चेक करके देख लेते हैं। तो अभी TNT शूट हो चुका है, और ये गाइस गया एंड सेंटर तो नहीं हुआ भाई। ओके गाइस शायद रिपीटर में मुझे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। एंड फाइनली गाइस मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो ये जो 2 टिक वाला रिपीटर था जिसको मैंने 2 टिक पर डाला था, इसको मैंने 4 टिक कर दिया है, और अब ये सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। वैसे बाकी जैसा था वैसा ही है, सेम टू सेम है, बस इधर मैंने ये जो रिपीटर था इसको चेंज किया है, ठीक है। तो चलो अभी फिर से एक और बार इसको हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। और अभी गाइस हम लोग सामने से देखने वाला है एकदम। तो इधर देख लो TNT जाके किसी भी एक टैबलेट, तो इधर अभी 2 टैबलेट पर आके गिरा है, और ये जाके नीचे फट गया। तो चलो अभी देखते गाइस डैमेज कितना हुआ। एंड गाइस जैसे कि देख सकते हो ये जो पूरा रो था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, बस एक ही ब्लॉक बचा है ऊपर की साइड पर, मतलब ये जो कॉर्नर वाला ब्लॉक है आप लोग देख लो, और मतलब इसके पीछे वाला जो रो था वो भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो हाँ गाइस ये सिस्टम तो अच्छे से ही काम कर रहा है आप लोग बोल सकते हो। और अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो आप लोग बताना मुझे कमेंट पर, मैं उसको ट्राई करूँगा।
तो चलो गाइस, अभी ये जो डिस्पेंसर है उस पर मुझे पार्ट को देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार तो ऐसे जाकर बटन को पुश नहीं करूंगा, वो सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक ही काम करने वाला है। एंड इसके लिए मैं इस ऑब्जर्वर के सिग्नल को यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस इधर क्या होगा कि जब भी कोई ब्लॉक इस ऑब्जर्वर के सामने आएगा तो ये जो सारे पिस्टन है वो तो उसको सामने पुश करेगा, और उसके बाद ये जो अपना TNT शूटर है वो TNT लॉन्च कर देगा और सारे ब्लॉक माइन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस अभी पूरा ऑटोमेटिक होने वाला है। तो चलो इधर से एक लाइन को हम लोगों को मतलब एक सिग्नल को ले जाकर मुझे उस डिस्पेंसर तक डाल देना है। और इधर भी गए सेम टू सेम जैसा मैंने मतलब नीचे की साइड पर एक क्लॉक डाला था रिपीटर की मदद से, इधर भी मुझे करना है, वरना दो TNT शूट हो जाएगा। ठीक है, तो वो मुझे नहीं चाहिए, तो चलो इसको अभी बना लेते हैं। ऑल राइट गाइस, सारे काम कंप्लीट हो चुका है और अभी इसको फाइनल टाइम के लिए एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ठीक है यार, इधर थोड़ा बहुत तो लैग हो रहा है, कोई बात नहीं। ओके, अभी पिस्टन मूव कर चुका है और अभी जो TNT वो गिरेगा। ओके, तो गाइस इधर TNT गिरा नहीं, बस इधर सिग्नल तो इधर से जाना चाहिए, या फिर मैंने कोई रिपीटर मिस कर दिया। तो सब कुछ तो ठीक ही है गाइस। तो गाइस मुझे लगता है कि वो लैग की वजह से हुआ होगा। अब इधर एक और ब्लॉक को प्लेस करके देख लेते हैं, और अभी पिस्टन मूव कर चुका है एंड TNT को गिरना चाहिए था, बट नहीं, TNT नहीं गिर रहा है। यार क्या हो गया मेरे फार्म को। गाइस आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। एक्चुअली जो TNT है वो मेरे इन्वेंटरी पर ही है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? गाइस इसको मैंने कब निकाला वो मैं भूल चुका हूँ, और यार क्या ही बोले। तो चलो फार्म अपना सही है। एंड फाइनली अभी फाइनल टाइम के लिए इसको एक और बार टेस्ट करते हैं। तो पिस्टन अभी मूव करने वाला है एंड गाइस ये गया TNT और सारे ब्लॉक माइन भी हो चुका। तो चलो कुछ ऐसे ही अपना ये जो फार्म है वो अभी काम करेगा, बस मुझे इधर कलेक्शन सिस्टम को डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में आके तो कलेक्ट नहीं करूँगा। तो चलो गाइस अभी इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। एंड इसी के साथ साथ अपना पूरा काम फिनिश हो चुका है, और गाइस इधर मैंने काफ़ी सारे लाइट्स को भी प्लेस कर दिया ताकि इधर कोई मॉब्स न स्पॉन हो जाए। तो चलो अभी इस फार्म को यूज़ करके मैं कुछ मड एंड कंक्रीट जेनरेट कर लेता हूँ। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो चुका है और इधर ना मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है गाइस, ये जो एक एक ब्लॉक मिस हो रहा है इस पर कुछ ब्लॉक माइन होके गिर रहा है, ठीक है, और जब नेक्स्ट टाइम TNT शूट हो रहा है तो वो जो ब्लॉक है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, और इससे मेरा काफ़ी सारा लॉस हो रहा था। तो इसलिए गाइस इधर मैंने एक और सिस्टम को डाल दिया, जो कि है कुछ डिस्पेंसर। तो इधर के मतलब टोटल मैंने 7 डिस्पेंसर को डाला है, और इधर एक सिग्नल लाकर इससे साथ कनेक्ट कर दिया। तो इधर ये जो लास्ट वाला सिग्नल था रेडस्टोन सिग्नल, उसके सामने मैंने एक ऑब्जर्वर को डाला है, और इधर ये जो टोटल 4 रिपीटर मैंने यूज़ किया है जो कि 2 टिक पर है। तो गाइस ये 2 टिक पर ही काम करता है, मतलब मैंने सोचा कि 1-2 रिपीटर की यूज़ करूँगा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, 4 टिक पर काम नहीं कर रहा था, या फिर 3 टिक पर ही काम नहीं कर रहा था, तो ये 2 टिक पर आराम से काम कर रहा है। और ये जो डिस्पेंसर है इसमें पानी है, तो जब TNT फट जाएगा तो इधर से एक बार के लिए पानी निकल के जाएगा, और जो भी ब्लॉक ऐसे ऊपर की साइड पर होगा उसको बहाकर नीचे फेंक देगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे मतलब ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है, और ऐसे करके ये जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। जैसे चलो एक बार देख भी लेते, तो देख लो TNT फटा और उसके साथ ही साथ पानी भी शूट हो चुका है, और मतलब ऑलमोस्ट गाइस सारे ब्लॉक को तो बहाकर नहीं ला पाया, बट थोड़े थोड़े ब्लॉक जो ऊपर के साइड पर था उसको बहाकर ले आया। तो चलो गाइस इसमें थोड़ा बहुत तो लॉस है, बट कोई बात नहीं, इससे मेरा काफ़ी टाइम भी सेव हो जाएगा, और जितने भी ब्लॉक्स इधर माइन होकर आएगा वो इस चेस्ट पर जमा हो जाएगा और मैं इधर से इसको कलेक्ट कर लूँगा। एंड इसी के साथ साथ फाइनली आपने जो 2-in-1 फार्म है वो इधर ही कम्प्लीट होता है। और गाइस ये जो वीडियो था इसको मैंने थोड़ा बहुत अलग बनाया, थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल के जैसा, और अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को फॉलो करोगे तो आप लोग भी सेम टू सेम ऐसे ही फार्म को अपने वॉल पर भी बिल्ड कर सकते हो। एंड गाइस एक और बात, ये जो वीडियो है वो इस ईयर का लास्ट वीडियो है, और आप लोग इस ईयर में ये जो चैनल है इसको इतना सारा प्यार दिया है कि क्या ही बोले गाइस, बहुत ही औसम था, आप लोग इतना सारा सपोर्ट किया है मुझे। तो आई होप गाइस आप लोग नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही सपोर्ट करोगे इस चैनल को। तो ठीक है गाइस, फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। फिलहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड पर।